गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। तो मैंने बताया था आपको, हमारा लास्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था इजी टू ट्रांसलेट, ये उसका पार्ट टू है। तो आइए कुछ न्यू रूल सीखते हैं जिससे आपको ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी, स्पीकिंग में हेल्प मिलेगी, कुछ ऐसे सेंटेंसेज जहां पर आप कभी कभी अटक जाते हैं। तो पहला रूल सीखते हैं हम, सीरियल वाइज देखा जाए तो, अगर सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा रूल है ये, ठीक है। दो रूल मैंने उसमें कवर किए थे, ये तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ पाता है, पाती है, पाते हैं जैसे शब्द आए तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे आपकी मेन चीज है इज एम आर एबल टू। अगर पाता है पाती है से एंडिंग होती है सेंटेंस की तो आपको इज एम आर एबल टू का यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह जर्मन भाषा नहीं बोल पाता है। नहीं मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही इज नॉट एबल टू, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे नंबर पे नॉट देना हमें थर्ड प्लेस पे। ही इज नॉट एबल टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज। यहाँ पे इज एम आर आप सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो इज आना चाहिए, प्लूरल नाउन है तो आर आना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आना चाहिए। ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। He is not able to speak German language. बिल्कुल easy है, कोई मुश्किल नहीं है। वह जर्मन भाषा नहीं बोल पाता है, बोलना हमारी वर्ब हो गई, बस हमने सब्जेक्ट के हिसाब से रूल के हिसाब से चलना है। सब्जेक्ट लगाया हमने ही, उसके बाद इज एम आर लगाया, थर्ड प्लेस पे नॉट लगाया और उसके बाद एबल टू, ही इज नॉट एबल टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ लगता है, लगती है, लगते हैं जैसे शब्द आ जाए, जैसे कि वह उसे पीटने लगता है, वह उसे बताने लगता है, वह हंसने लगता है, वह रोने लगता है, तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर बिगिन और बिगिंस लगा हुआ है, बिगिन के साथ एससीएस लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी शो करता है, इसमें ता है ती है भी मिक्स है, तो हमने उस वजह से बिगिन वर्ब के साथ एससीएस का यूज करना है। और आपको पता है कि एससीएस हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डज प्लस नॉट आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। डू डज नॉट बिगिन टू, बिगिन टू का मतलब है कोई काम होने लगता है, ठीक है। सच जानने के बाद राम श्याम को पीटने लगता है, ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा। क्या करने लगता है राम, राम क्या शुरू कर देता है, पीटना शुरू कर देता है, तो शुरू कर देता है और लगता है का हम सेंटेंस बिगिन टू से बना सकते हैं। राम बिगिंस टू बीट, यहाँ पे देखिए हमने एससीएस का यूज करा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है, हमने बिगिन के साथ एसईएस का यूज किया है। राम बिगिंस टू बीट श्याम आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ का मतलब है सच जानने के बाद। देखिए यहाँ पर सच जानना, टू नो द ट्रूथ, ये हमारी वर्ब है टू नो द ट्रूथ। अगर हमारी किसी भी प्रपोजिशन के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है तो हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने आफ्टर नोइंग लिखा है, नो नहीं लिखा है। यहाँ भी ध्यान रखना आप कि यहाँ पर आईएनजी क्यों आया है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमारी वर्ब आ रही है डायरेक्टली, तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। राम बिगिंस टू बीट, राम पीटने लगता है शाम को आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच को जानने के बाद। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, लगा लगी लगे, लगता था, लगती थी, लगते थे। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ लगा लगी लगे, जैसे कि वह उसे पीटने लगा, वह रोने लगा, वह हंसने लगा, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बनाने हैं, या फिर लगता था, लगती थी, लगते थे जैसे शब्द आ जाए, तो आपको बिगिन टू की सेकंड फॉर्म बिगिन टू लगाना है क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट की बात हो रही है, ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही थी, लगता है, लगती है में, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है और ये पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। नेगेटिव अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि दोबारा से बिगिन टू बदल जाएगा, बिगिन जो है बिगिन में बदल जाएगा क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं, राहुल मोनू को पीटने लगता है।
ओके, राहुल मोनू को पीटने लगता है, नहीं राहुल मोनू को पीटने लगा, क्योंकि लगता है प्रेजेंट में आता है और लगा पास्ट में आता है, ठीक है। तो राहुल बिगेन टू, यहाँ पे बिगिन की सेकंड फॉर्म का यूज करा है हमने, राहुल बिगेन टू बीट मोनू। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बनेगा राहुल डिड नॉट बिगिन टू बीट। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।